हाय गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसकी रिलीज कर दी गई है वेबसाइट। आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल करना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन जनरली एक जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है पेपर कोड वगैरह की, कि जो है पेपर कोड क्या होता है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसकी एग्जाम कब होगी, कहाँ पर होगी, कैसे होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, इसके अंदर कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें। भैया कॉलेज सेलेक्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो बस ये व्हाट्सएप पे बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो जनरली जो है इसने CUET ने दो नोटिस जारी किए हैं, एक UG कोर्सेज के लिए और एक PG कोर्सेज के लिए। तो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कहा है, इसने जस्ट कुछ इम्पोर्टेंट डेट शेयर किए हमारे साथ, तो देख लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शामिल नहीं है। ओके, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं पेपर कोड की, कि ये UIQP01। जैसे आप वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं और वहाँ पे जनरली दोनों ऑप्शन पे टिक होता है। तो इसका क्या मतलब होता है UIQP01, UIQP02 क्या होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कि BVOC कोर्सेज वगैरह होते हैं, BTEC इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड तो बड़े कोर्सेज होते हैं, वो जो है P01 के अंदर रखे गए हैं। और जो सारे कोर्सेज बच गए, जैसे लाइक जैसे इंटीग्रेटेड MSc है, ये BA है, BSc है, BBA है, ये P02 के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो सेम ही है। ओके, जो है P01 के जो कोर्सेज है उसका स्लॉट सेकंड में एडमिशन होगा, जो स्लॉट सेकंड के अंदर एग्जाम होगा, और जो P02 है उसका स्लॉट वन के अंदर एग्जाम होगा। इसके अंदर जनरली 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपके अंदर, आपके पास एग्जाम के अंदर 16 अगस्त से एडमिशन जो है प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है 1 सितंबर तक रात को 11:50 तक चलेगा, और दूसरे दिन जो है लगभग 11:50 तक 2 सितंबर तक आपको फीस सबमिट करनी है। करेक्शन 2 दिन का दिया गया है, 3 to 4 September 2021 एप्लीकेशन जो है फीस वो आपको दी गई है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह जो बाद में बताया जाएगा, अभी बताया नहीं है। एग्जाम जो है वो 15, 16, 23 और 24 सितंबर को है, ठीक है, जो 2 स्लॉट होते हैं इसमें, 10 से 12 और 3 से 5। ओके, और इसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो NTA कंडक्ट करवा रही है। जैसे JEE मेन का पेपर होता है वैसे ही इसका पेपर होगा। आपको जो है कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना होगा, अब जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो जब जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसकी कुछ स्पेसिफिक फीस होगी, जैसे 200 से 300 रुपये, तो वो आपको कहेगी कि अपने अपनी जो भी डिटेल्स है, नाम आपका जो भी कार्ड है वो हमारे पास दे दीजिए, और यहाँ पे जो है फीस सबमिट कर दीजिए। फिर वो अपने अपने कॉलेज के एंट्रेंस के बेस पे ऊपर जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे, जितने पर नंबर आएगा उसके आधार के ऊपर आपका जो है एडमिशन किया जाएगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। वैसे यहाँ पर स्पेशली जोसा के अंदर होता है, वैसे यहाँ पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, अपनी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनकी वेबसाइट से, तो आप वहाँ से चेक करते रहिए। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसे आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पे, और अगर वहाँ पे सीटें बच जाती है, तो आप डायरेक्ट स्पोर्ट कोटा या फिर अदर कोटा के अंदर वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग चलती रहती है, ठीक है, गूगल फॉर्म के जरिए डायरेक्ट बाद में लास्ट में वो एडमिशन दे देते हैं। अगर सीटें अगर खाली बचती है तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिनका टॉप कोर्सेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, और स्पेशली BVOC और अदर कोर्सेज जो भी है उसके अंदर बहुत ही कम मार्क्स के अंदर भी एडमिशन हो जाता है। पिछली बार ऐसा भी हुआ था कि जिनके बच्चों के 0 मार्क्स था उनका भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर एडमिशन होते हुए मैंने देखा है, वो भी OBC कैटेगरी के अंदर। ओके, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और अगर हम देख लेते हैं इसकी जो है PG कोर्सेज के बारे में, ठीक है, तो PG कोर्सेज के अंदर ही आपको वहाँ पे जो है UG और PG दो ऑप्शन होते हैं, तो PG सेलेक्ट करना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई स्पेशल नहीं है, वही सेम टू सेम क्राइटेरिया। कुछ और भी बच्चे पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, तो इसकी भी फीस जो है 16 से 1 सितंबर तक जो प्रोसेस है, 3 to 4 सितंबर तक ये स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ये है, करेक्शन जो है ये है, इसका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा PG कोर्सेज का। इसकी जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख से स्टार्ट होती है, और इसका भी स्लॉट सेम ही है।
जब आपका यूजी कोर्सेज होगा तब पीजी नहीं होगा शायद। ओके तो ओके थैंक यू सो मच गाइस। और मैंने इसका जो हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। और ये कुछ कोर्सेज दिए गए जिनके पेपर कोड दिया गया है, तो आप जो है ये तब काम आएगा जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है इस बार कि यूनिवर्सिटी जो है NTA जो डायरेक्ट इनका कोई स्पेशल पोर्टल बना के अपने थ्रू इन कॉलेजों के अंदर भेज दे, या फिर डायरेक्ट हो सकता है कि कॉलेज अपना कुछ पोर्टल क्रिएट करके डायरेक्ट बच्चों का काउंसलिंग करे। ये दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि इस बार ये पहली बार हो रहा है जब NTA कंडक्ट करवा रही है। 99% यही पॉसिबल है कि NTA ही जस्ट लाइक जोसा जैसी वेबसाइटों के थ्रू भेजेगी यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर 1% गारंटी है कि कॉलेज वाले खुद कंडक्ट करवाए अपने एंट्रेंस। तो ओके थैंक यू सो मच। वो आपसे कुछ स्पेसिक इनकी फीस होगी 200 से 300 रुपये, इतने साल तो यही होता था। ओके गुड लक, तैयारी कीजिए खूब ODS यूनिवर्सिटी को। मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना हो जिसकी फीस बहुत ही अफोर्डेबल हो और प्लेसमेंट अच्छा हो, गुड क्वालिटी हो, एजुकेशनल कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलता हो, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।